अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई इंस्टा फैमिली एंड माई यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन ग्रेट। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा छोटा सा ट्यूटोरियल है अबाउट स्किन केयर के हिसाब से, कि मैं अपने लिप्स की किस तरह केयर कर रही हूँ और किस तरह मैं अपनी स्किन को विंटर्स के लिए प्रिपेयर करके रख रही हूँ कि विंटर्स में ड्राइनेस ना हो, स्किन एक्सफोलिएट ना हो, सॉरी स्किन भी हाइपर पिगमेंटेशन भी मुझे ना हो, ड्राइनेस भी स्किन पे फील ना हो। दूसरा ये कि लिप्स के लिए जो है मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अपना शुगर स्क्रब कॉफ़ी और शुगर स्क्रब एंड बेरी, ये है ऑर्गेनिक बाय टानिया, ठीक है। ये मैं दो इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ स्किन के, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मतलब आपकी स्किन की जो डेड स्किन होती है वो सारी रिमूव हो जाती है और आपके स्किन इस लिप्स जो हैं वो इतने स्मूथ हो जाते हैं और इतने ग्लोई करते हैं कि जो आपके लिप्स पे ड्राइनेस हो जाती है पानी ना पीने की वजह से, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को स्मूथ रखते हैं और जो है लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं कि आप इजीली अपनी जो है लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, इजीली यूज़ करते हो, क्योंकि कुछ लोगों को मैट लिपस्टिक्स पसंद नहीं होती हैं, वो इसलिए कि आपके लिप्स जो हैं वो एक्सफोलिएट हुए हुए होते हैं और जो है लिप्स में ड्राइनेस होती है, डेड स्किन होती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कुछ मोस्टली लोगों की ये शिकायत होती है कि हम लोगों को जो है ड्राई सॉरी मैट लिपस्टिक्स पसंद नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जब से मैंने यूज़ की है तो मेरे लिप्स बहुत स्मूथ हो गए हैं, पिंकी जिनको पिंक लिप्स का बहुत शौक है उनके लिप्स जो है पिंक हो जाते हैं कि लिपस्टिक लगाते रहते हैं अच्छे से, हमारे लिपस्टिक हमारे हेयर इतना लिप्स से निकलती नहीं है, तो हमें भी जब लिप्स पे से लिपस्टिक हटानी होती है तो हमें अपने लिप्स को अच्छे से क्लीन करना होता है, जिस तरह हम अपने फेस को क्लीन करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि आप जब ब्रश कर रहे होते हो तो ब्रश करने के बाद अपने जो ब्रश होता है उसको लेके आप अपने लिप्स पे रब किया करो, जिस तरह अभी मैं करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि सुबह मॉर्निंग की लिप्स केयर रूटीन मेरी क्या है और नाइट में मेरी लिप्स रूटीन क्या है और स्किन को किस तरह मैं मॉइस्चराइज रखूँगी कि सर्दियों में मुझे मसला ना हो कि मेरी स्किन जो है बॉडी के ऊपर जो है मैं नहाने से पहले यूज़ करती हूँ सरसों का तेल, अच्छे से तेल आप लगा लो अपनी बॉडी के ऊपर, देन आप बात कर लो तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर डैंड्रफ नहीं फील होगी, आपकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और ड्राइनेस नहीं होगी। इसी तरह हम अपने फेस की भी किस तरह केयर करते हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमने अपनी रात में रूटीन में यूज़ करना चाहिए और डे में रूटीन में यूज़ करना चाहिए, लिप्स का कितना किस तरह ख्याल करना चाहिए, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो पूरी देखिएगा। और ग्लैम गर्ल का मेकअप रिमूवर से मैंने जो है लिक्विड मेकअप रिमूवर जो है इससे मैंने अपना मेकअप अच्छे से रिमूव कर लिया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मेरे फेस पे अब स्टिल नहीं लगा हुआ और जो रिमेनिंग मेरे फेस पे रह गया है अच्छे से मेरा मेकअप साफ हो गया। अब मैं डर्मा शाइन का क्लेंज़र यूज़ करूँगी अपने फेस पर, इसकी मैं इसको मैं क्वांटिटी में लेकर अपने फेस पे क्लेंज़र करूँगी। इससे ये होगा कि जितने भी आपके पोर्स जिन जिन के पोर्स ओपन हैं वहाँ पे मेकअप हमारा जम जाता है वो हमारा मेकअप रिमूव हो जाएगा। मुझे बड़े एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लेंस मैंने उतारे नहीं है। स्लो स्लो आपने क्लेंजिंग करनी है। नेक पे अगर आपने प्रोडक्ट मेकअप यूज़ किया है, क्योंकि मैं तो हिजाब करती हूँ तो मैं नेक पे तो अपनी बेस वगैरह कोई फाउंडेशन कुछ भी यूज़ नहीं करती, अगर आपने नेक के ऊपर कोई प्रोडक्ट यूज़ की है तो आपने डाउन से अपवर्ड अपने फेस की अपने नेक की क्लेंजिंग करनी है ऐसे करके, क्योंकि मेरे नेक पे तो प्रोडक्ट लगा नहीं था मेकअप वगैरह तो मैं नेक की नहीं कर रही। अच्छे से मैंने लैशेज़ भी साफ कर ली हैं कि लैशेस वैसे जो भी मस्कारा है जो भी कुछ है वो हट जाए।
इसको मैं रिमूव करके फिर दोबारा आती हूँ। ये देखें, जो मेकअप था वो अच्छे से इस पर रिमूव हो गया। क्लेंजिंग का ये फ़ायदा है कि आपने मेकअप किया हो या ना किया हो, लेकिन रात में जितने भी आप अपनी क्लेंजिंग करेंगे, उतने आपके फेस के जितने भी आपके फेस पे डस्ट पार्टिकल जो जम जाते हैं, वो अच्छे से आपकी जो है स्किन पे से हट जाएंगे। अब सेकंड, अब मैंने मेकअप किया था तो वीक में 3 टाइम्स जो है मैं डर्माशाइन के 2 प्रोडक्ट तो मस्ट यूज़ करती हूँ। कभी कभी मास्क भी उसका यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन 2 प्रोडक्ट तो मैं मस्ट यूज़ करती हूँ। दूसरा ये है ब्लैक हेयर्स स्क्रब रिमूवर। ब्लैक हेयर स्क्रब रिमूवर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि नोज़ पे मेरे पोर्स अभी ओपन हैं, वो अभी प्रॉपर बंद नहीं हुए हैं। फेस के मेरे पोर्स पूरे यहाँ से बंद हो चुके हैं, लेकिन नोज़ के थोड़े हैं। तो ब्लैक हेयर्स रिमूव करने से मैं हल्का हल्का चीक्स पे, मतलब जो पोर्स ओपन है जहाँ ब्लैक हेयर्स ना बने उन उस एरिया पे, चीक पर, नोज़ पर, नोज़ पे प्रेशर दे के जल तेज़ तेज़ आपने इसको साफ करनी है। इसको मसाज करना है 5 से 10 मिनट का। जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे, जितने भी वाइट हेड्स आपके होंगे, वो सब साफ़ हो जाएंगे। और इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है, मतलब फेस पे लगाने के बाद इतनी ठंडक फील होती है, जैसे डर्माशाइन का फेस मास्क आप अपने फेस पे लगाते हो ना, उस तरीके से जो ना ये आपके फेस पे जो है एक ठंडा मिंट टाइप जो है ना फील होती है, कि आपको बहुत एसी चल रहा हो या रूम में ठंडक हो तो आपकी स्किन और ठंडक फील करे। जहाँ जहाँ आपके पोर्स ओपन है आपको ब्लैक हेड्स फील होते हैं, आपको मतलब जब ब्लैक हेड और वाइट हेड बनते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पिंपल्स मुंह पे निकल आते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या एक्नी स्किन होती है, तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी स्किन का ख्याल रखें। स्किन का ख्याल मुझसे मोस्टली, मैं स्टोरीज़ वगैरह में अगर पिक्चर लगाती हूँ या ट्यूटोरियल वगैरह कुछ करती हूँ, तो मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि आपकी स्किन इतनी साफ़ क्यों है। 2-3 लोगों ने मुझसे मतलब कमेंट्स में भी पूछा और DM भी मुझे किया कि आपकी स्किन बहुत साफ़ है। तो देखें, स्किन पे आप कितने भी प्रोडक्ट लगा लें, आपकी स्किन जब तक सही नहीं होगी, जब तक आपकी स्किन साफ़ नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी स्किन गोरी हो, आप गोरे हो के चमके, नहीं, स्किन का जो टोन है ना आपकी, आप सबसे पहले अपने स्किन टोन पे सेटिस्फाई हों। आपका स्किन टोन अगर गंदुमी रंग है, कोई भी कलर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो आप उससे पहले शुक्र अदा करें। ज़रूरी नहीं है जो काले हैं उनको गोरे होने की ज़रूरत है, और जो गोरे हैं वो और मज़ीद गोरे हों, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमें अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन रखना है, वो स्किन कोई भी हो, कोई भी स्किन टोन आपका हो, आपने उसको क्लीन किस तरह रखना है। ज़्यादा वाटर इनटेक करना है, अपने आप को जो है मल्टीविटामिंस लेते रहा करें। एयर में 2 से 3 मंथ्स का आप कोर्स कर लो, मल्टीविटामिंस खाओ, फॉलिक एसिड लिया करो, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो, फ़िश खाया करो, और जितनी प्रोटीन विटामिंस की जो भी चीज़ें हैं हमारी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, हमें सब खाना पीना चाहिए। वाटर इनटेक जिसका जितना ज़्यादा होगा ना, वो मैं कहती हूँ कि वो बंदा कामयाब है, कामयाब। वाटर इनटेक मतलब आप सुबह सो के उठ रहे हो तो आप अपना 4 से 5 गिलास पानी पियो एनी हाउ। मैं सुबह जब नहा मुझे उठती हूँ, ब्रश करके बाहर आती हूँ, तो मैं 4 से 5 गिलास ज़रूर पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं एप्पल खा लिया, एप्पल खाने के बाद फिर ये होता है कि 1 आवर के बाद मैं नाश्ता जो भी करना चाहे, ब्राउन ब्रेड के साथ कुछ भी लेना चाहूँ मैं ले लेती हूँ। दोपहर में क्या करना चाहिए आप लोगों ने, कि दोपहर में मस्ट आप लोगों ने फ्रूट चाट लाइट लेना चाहिए। खाना खा रहे हैं तो खाना खाने को स्किप कर दें, फ्रूट जैसी चीज़ें फ्रूट खाना चाहिए। जो लोग फ्रूट नहीं खाते ना, मैं कहती हूँ दुनिया में फजूल में जी रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है जीने का। फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट वैसे नहीं खाने का दिल कर रहा, आप फ्रूट चाट बना लो, सैलेड खाओ, इतनी सारी चीज़ें हैं, सैलेड भी खा सकते हैं, मतलब ब्लैक वाले चने या वाइट वाले चने बॉयल करके उसमें सैलेड डाल के आराम से आप खा सकते हो, जूसेस पी सकते हो। और रात में प्रॉपर आप 8 बजे तक अपना डिनर करें, उसके बाद आप कहवा बना के पी लें या ग्रीन टी पी लें, उससे आपका हेल्दी बॉडी हेल्दी भी रहेगी, आपको फैट्स नहीं होगा और आप भी फिट रहोगे, आपकी स्किन भी सेट रहेगी। वाटर इनटेक आपने ज़्यादा रखना है, मतलब दिन में आपने 18 से 22 आपने पानी के गिलास पीने हैं एनी हाउ।
जितना आप पानी पियेंगे आपकी स्किन भी सही रहेगी, आपके लिप्स भी ड्राई नहीं होंगे, हर चीज़ आपकी सारी, बाल भी आपके अच्छे रहेंगे। तो केयर करने से होती है, और जितनी महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा लें उससे आपको कुछ नहीं होता। अब मैं ऑर्गेनिक बाय तानिया का जो है कॉफ़ी शुगर स्क्रब अपने लिप्स पर यूज़ कर रही हूँ, कि लिप्स की जो मेरी, मुझे ये लिप्स खाने नोचने की आदत है, खाती रहती हूँ बैठे बैठे, तो ये चीज़ जो डेड स्किन है ये मेरी ख़त्म हो। अब मैं थोड़ा सा अमाउंट अपने लिप्स पे निकाला है, हाथ पे निकाला है, मैं इसको अपने लिप्स पे लगाऊंगी। इससे आपकी ना फेस पे मतलब आपकी जो लिप्स है ना उसमें ऐसे होगा ऐसे चुटकियाँ नहीं चल रही होती, इस तरह आपको फील होगा। ये प्रोडक्ट आप घर में भी बना सकते हैं इजीली, कॉफ़ी कोकोनट ऑयल और शुगर के साथ। और अगर घर में नहीं बना सकते तो आप ऑर्गेनिक बाय तानिया के पेज पे जाके ये ऑर्डर भी, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सी जितनी भी लिपस्टिक थी, मैट लिपस्टिक लगी हुई थी, जितनी भी फजूल की स्किन थी वो सब देखिए रिमूव हुई, और मेरे स्किन पे ऐसा हो रहा है अजीब सेंसेशन सी फील हो रही है। ऑर्गेनिक बाय तानिया के पेज पर जाके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनके पेज पे जाकर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनका कॉफ़ी प्रोडक्ट है। ये मैं अब अच्छे से रिमूव करूँगी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कॉफ़ी पी है। लिप्स इतने स्मूथ और इतने मज़े के हो जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि इन पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। उसके बाद इसका जो बेरी लिप्स है, मतलब अब हमने अपने लिप्स पे जो प्रोडक्ट थी वो हटा ली कॉफ़ी स्क्रब करके, अब ये भी मतलब लाइक ये खुल क्यों नहीं रहा, मैं इसको खोल के पे आती हूँ। हाँ जी, ये कुछ इस तरीके से है, और ये भी फॉर्म के अंदर है, और इसको भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर, या फिर आप जो टूथब्रश होता है उसकी मदद से इसको लेके अपने लिप्स पे कर सकते हैं, या अपने हाथों में लेके। अगेन इसको मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी। ये देखें, इससे भी आपके लिप्स बहुत स्मूथ। ये देखें, जितनी भी डेड स्किन थी वो सब उतर गई स्क्रब करने से। सारी साफ हो गई। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि फेस वॉश करके मैं अब रात का टाइम है, फेस वॉश करके मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करके देन सोती हूँ। अब मेरे लिप्स अच्छे से साफ हो गए, अभी तक मतलब ये इस तरह से मैंने स्क्रब किया है कि मेरे लिप्स के अंदर जो है ना ऐसे जो चूंटियाँ नहीं चल रही होती हैं, उस तरीके से मेरे लिप्स जो है ना वो फील हो रहे हैं। और जिनके लिप्स पतले हैं
उनको थोड़े अपने लिप्स मोटे करने हैं तो वो ये स्क्रब यूज़ करेंगी, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने कहीं जाना है, जाने से पहले आप कॉफ़ी स्क्रब को अच्छे से अपने ब्रश में लगाकर, मतलब आप टूथब्रश कोई एक्स्ट्रा बना के रख लो, ज़रूरी नहीं है जो यूज़ करते हो वही यूज़ करो, वो भी यूज़ कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। आपने टूथब्रश में हल्का सा प्रोडक्ट लेके अपने अपने लिप्स पे फेरा और उसके बाद आपने मेकअप करके लिपस्टिक लगाई, तो आपके जो मतलब के होंठ है ना, जिनके ऊपर के मतलब जिनके लिप्स पतले होते हैं वो थोड़े थोड़े मोटे मोटे से लगेंगे और लिपस्टिक लगी भी बहुत अच्छी लगेगी। ये भी एक नुस्खा है जो मैंने गूगल पे पढ़ा था, तो मैंने कहा कि ये चीज़ बाकी फ़ायदेमंद है। अब आप देख सकते हैं कि ये लिप्स लेयर जो है मेरी किस तरह प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है, आउटलाइन जो है मेरी लिप्स की ये प्रोमिनेंट शुरू हो गया। अगर आप इसके ऊपर लिपस्टिक लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी, जिनके लिप्स पतले होते हैं तो वो इस तरीके का टोटका आजमा के देखें तो बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, मैंने अपनी स्किन फेस अच्छे से वॉश कर लिया और जो लिप्स के लिए जो मैंने ब्रश रखा हुआ है वॉशरूम में अपने, तो वो मैंने अपने लिप्स पे सर्कुलर मोशन में जो है वो रब कर लिया था, तो जितना भी और डेड स्किन थी वो अच्छे से निकल गई। अब मैं अपने स्किन के ऊपर जो है हेयर एनर्जी का होल ब्लेंडेड स्किन फूड जो है ये मैं यूज़ करूँगी, ये वाला सीरम। और ये सीरम बहुत अच्छा है, इनका ऑयल भी बहुत अच्छा है, मैं ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। एटलीस्ट 2 से 3 वीक्स हो गए, हेयर्स मैंने अपने पहले कट करवाए थे, जिनको लॉन्ग हेयर्स करने हैं वो इनका ऑयल भी यूज़ करके देख सकते हैं। इनका ऑयल को हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करना है, देन ओवरनाइट के लिए अप्लाई करना है, सेकेंड डे अपने शैम्पू कर लेना है। इनका हेयर ऑयल भी बहुत अच्छा है, फेस स्किन प्रोडक्ट भी इनकी बहुत अच्छी है। और जो है हेयर एनर्जी का ऑर्गेनिक ब्लेंडिंग फूड जो है इनका स्किन फूड, ये बहुत ऑसम है। इवन कि जो आपके फेस पे पिंपल्स निकले हुए हों, आपके फेस पे कोई दाग निशान हो, पिगमेंटेशन हो रही हो या डिस्कलरेशन हो रही हो, आपके फेस से ये ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी कॉस्टली हैं इसके प्रोडक्ट्स, लेकिन बहुत ऑसम है, बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस पर लगाए और डेट्स इट, बस ये आपने अपने फेस पे लगाया, अच्छे से अपने स्किन पे ब्लेंड किए। मॉइस्चराइजर की आपको ज़रूरत ही नहीं है रात के टाइम, मॉइस्चराइजर लगाने की तो आपको नीड ही नहीं है कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, इसी को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लें, ठीक है। उसके बाद अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करें वैसलीन से, कोई भी लिप बाम, जॉनसन्स वाले, जॉनसन्स की मैं वैसलीन बेबी वैसलीन यूज़ करती थी, ख़त्म हो गई मेरे पास, तो मैं अभी ये वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरे पास ख़त्म हो गया, लिप बाम मेरे पास था पीच का, ये भी ख़त्म हो गया। अब मैं फैमिलिश का वेक मी अप सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो रहे हैं और जिनकी शादियाँ होने वाली हैं करीब, वो 1 मंथ ये यूज़ कर लें, उनके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त यह कि वो पानी भी ज़्यादा पिए और अपना ख्याल भी रखें। अब मैं इसका 15 मिनट मसाज करती हूँ, देन वापस आती हूँ। हाँ जी, 15 मिनट्स मैंने अच्छे से मसाज कर लिया, उसके बाद मैं इनका आई लैशेज ग्रोथ सीरम लगाती हूँ। मेरी आई लैशेज मस्कारा लगा लगा के बहुत टूट रही थी, जब से मैंने इनका सीरम इस्तेमाल किया है लिटरली 2 वीक्स में ये मैजिक, वाकई मैजिक सीरम है। अब मैंने क्या किया हुआ, पुराना मस्कारे का ब्रश ले लेके रखा हुआ है, क्योंकि फिंगर्स में लगाने में इतनी इरिटेशन होती है, तो इससे ही होता है कि ईजीली लग जाता है, या कॉटन बर्ड जो होता है। अब मैं इसको जो है ओपन करती हूँ, ये इस तरह की बॉटल है, अब इसको जो है ना मुझे इस तरह निकालना पड़ता था, लाइक इसका बहुत छोटू सा जो है ना मतलब होल है, तो मैं इसको निकाल के भी बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको इसमें से निकाल लिया है, तो इसमें ही प्रोडक्ट इतना लगा हुआ है और ये इतना ऑयली है कि आपकी दोनों लैशेस पे लग जाएगा। अब मैं यही लेके अपनी लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ओवरनाइट ये भी आपने लगा के सोना है। वेक मी अप सीरम जो मैंने डार्क सर्कल्स के लिए लगाया है वो मैं मेकअप से पहले भी यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा कंसीलर जो है ना वो सेट हो जाता है। ये दोनों लैशेस पे लग गया,
दोनों लैशेस पे अच्छे से लग गए। अब ये आप अपनी आईब्रोज पे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है लैशेस के बाद। अब मैं हल्का हल्का आईब्रोज पे भी लगा लेती हूँ कि आईब्रोज अच्छी ग्रोथ होंगी। ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, ये फैमिली से दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ईच 750 का है। ये अच्छे से अप्लाई हो गया, लिप बाम लग गया फेस की, ये क्लेंजिंग भी, डैट्स इट, स्किन मेरी कंप्लीट। ये है मेरी स्किन केयर रूटीन, आप इसको विंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं। जो ब्राइड्स हैं वो इस चीज़ को, मतलब दो तीन प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किए हैं वो ब्राइड्स, जो अनकमिंग ब्राइड्स जो बनने वाली हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकती हैं। बहुत हेल्पफुल जो है ना आपके ये प्रोडक्ट हैं, आप मतलब रिजनेबल हैं, अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। तो ईज़िली आपको ये दो जो हैं वो सीरम जो हैं वो 500 में मुझे दो ये मिले हैं विद डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। ब्लॉक बाय तानिया से, ऑर्गेनिक बाय तानिया से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और ये दो प्रोडक्ट जो हैं मैंने फैमिली से मंगवाए हैं, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इजीली परचेज़ कर सकते हो और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। सो अपना ख्याल रखें, और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे DM में बता दीजिएगा या कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना लूँगी स्किन केयर के हिसाब से या जो भी हेयर केयर के हिसाब से हो, तो आपकी रिक्वेस्ट वीडियो में बना लूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर